हाय, 12th में हमारी मूवी आ रही है म्यूजिक स्कूल. इट्स अ हैप्पी फन फिल्म. इलैयाराजा सर का म्यूजिक है इसमें और इसमें 12 गाने हैं. सो इट्स अ म्यूजिकल एंड इट हैज राजू मास्टर, चिनी सर एंड एडम हु कोरियोग्राफ्ड द सॉन्ग्स. पापराज़ा हैज मेड अ ग्रेट फिल्म. इट वाज सो मच फन वर्किंग विद शर्मन और शान. मुझे इस फिल्म को करने में बहुत मजा आया एंड आई होप आप भी ये फिल्म देखें 12 मई को एंड यू लव इट एंड यू एंजॉय इट. इट्स कमिंग आउट. आज जो आपकी फैमिली फिल्म देखने वाली है, कितने बड़े क्रिटिक हैं वो आपके? अरे बहुत बड़े क्रिटिक हैं, उसको तो बोला ही नहीं जाता. जब अच्छी लगती है तो बोल देते हैं. और सो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो क्या बोलेंगे. और पापा तो बिल्कुल सच बता देते हैं हमेशा और मम्मी भी बिल्कुल सच बोल देते हैं. शर्मन इज एन अमेजिंग एक्टर टू वर्क विद. आ रहे हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे ये रहे हमारे पापा राव सर. वो सुपर कलरफुल, मतलब थैंक यू. समवेयर क्लोज टू हर. या आई Let's go there, no? Oh, you're talking to them? Yeah. Oh, go okay. Ahead, finish. So that's Sherman. Yeah, thank you. We are the three idiots. No. But thank you, sir, for making a beautiful film. Thank you for making us part of it. And thank you for working so hard. And kitne 12 gaane to dal diye aapne isme. बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया की तरफ से. अभी हम लोग ये फोटो खींचते हैं और आपको मिलते हैं शो के बाद. क्या करना है? बस यही कहना चाहूँगा कि मैं जैसे फिल्म शुरू हो जाएगी मैं भाग जाऊँगा बाहर और लोग प्रार्थना करूँगा बाहर आकर के. लोग इन्जॉय कर रहे हैं अंदर और इंटरवल में छुप जाऊँगा कहीं और फिर सेकेंड हाफ में फिर से देखूँगा और फिर सेकेंड हाफ के एंड पे बाहर खड़ा रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि लोगों को बहुत पसंद आए फिल्म. सर, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कौन है आपके सबसे बड़े क्रिटिक जो आपकी फिल्म को देख के रियल में क्रिटिसाइज करते हैं देखने के बाद? सभी मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं. दे आर प्रीटी ओपन विद मी इन टर्म्स ऑफ हाउ दे फील बिकॉज इट्स आई थिंक दैट द फैमिली मेम्बर्स जितने ऑनेस्ट रहे उतना ही आपके लिए अच्छा है. और वैसे मैं खुद ही काफ़ी सीवियर हूँ, सेल्फ क्रिटिक खुद का ही. बहुत एक्साइटेड हूँ, बीइंग माय फर्स्ट फिल्म बहुत स्पेशल भी है मेरे लिए बिकॉज जितने भी कास्ट है, क्रू है, दे आर वेरी क्लोज टू मी एंड बहुत अच्छे एक फैमिली फ्रेंड्स वैसे बन चुके हैं हम लोग. एंड देखते हैं अभी रिस्पॉन्स कैसा आता है. मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी फिल्म एंड आई होप कि आप सब लोग को भी अच्छी लगेगी. वैसे मम्मी पापा तो दोनों हैं ही फिल्म डायरेक्टर्स. मेरे कजिन्स भी हैं जो बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में हैं. बट पापा से ज़्यादा मैं बोलूँगा शायद से मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा क्रिटिक है बिकॉज बचपन से लेके अब तक मुझे हर चीज़ में एक क्वेश्चन तो रहता है. जैसे मम्मी जैसे केयर करती है एक मम्मी, तो आई थिंक ये फिल्म में भी सबसे ज़्यादा सवाल उनके ही होने वाले हैं पापा से ज़्यादा. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बोथ ऑफ देम आर रियली अमेजिंग. मुझे अपने बड़े भाई बहन जैसे लगे वो एंड बहुत ही हेल्प किया मुझे. और अब तक जितना भी हम लोगों ने सफ़र तय किया है साथ में बहुत ही अच्छा रहा है. और आई होप कि आगे भी काम करने मिलेगा साथ में. फाइनली अभी आने वाली है ये फिल्म एंड एक्साइटमेंट तो है, बहुत है जितनी मुझे है. आई होप कि आप सभी को भी है. और बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें भी है ये फिल्म में जो देखने मिलेंगे, जो अब तक ऑब्वियसली वो सीक्रेट रहेंगे जो अभी आपको देखने पर ही पता चलेगा. एंड बहुत सारे बच्चे रहेंगे जिसको ये रिलेट कर पाएंगे. एंड चीज इतना ही. थैंक यू. द करंट प्रॉब्लम ऑफ हाउ सोसाइटी पुट्स प्रेशर ऑन चिल्ड्रन, स्टडी और उसके किताब के बाहर कुछ है नहीं है दुनिया. बचपन से लेके उसका पूरा बचपना छोड़ देते हैं और उसको कोई स्पोर्ट या आर्ट या ड्रामा करने का, म्यूजिक करने का, कोई म्यूजिक सीखने का कोई टाइम ही नहीं मिलता. तो ये सब्जेक्ट सीरियस सब्जेक्ट है. बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं क्लास 10 क्लास 12 एग्ज़ाम
इंजीनियरिंग मेडिसिन एंट्रेंस होने के बाद, तो ये सीरियस सब्जेक्ट को कहने के लिए हम एक रास्ता ढूंढा है कि बड़ा एंटरटेनिंग वे में कहना है स्टोरी को, एंटरटेनिंग वे तो गए तो वो लोगों में जाएगा अच्छा, तो वो एंटरटेनिंग क्या होगा, म्यूजिक से, म्यूजिकल माध्यम से ये फिल्म को बनाया। सो म्यूजिकल माध्यम जब हमारे मन में आया तो इसका म्यूजिक डायरेक्टर हम इलैयाराजा को चुना है, और इसमें 3 गाने वर्ल्ड क्लासिक साउंड ऑफ म्यूजिक का है, तो साउंड ऑफ म्यूजिक के गाने के साथ रहना है तो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर होना है, तो इलैयाराजा साहब ने म्यूजिक किया है इसका, और ये 12 गाने हैं इसमें, और 2 घंटे का फिल्म है, 12 गाना है, बहुत अच्छा स्मूथली चलता है पूरे। गाना ऐसा किया है कि वो ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल गाना है, जो स्टोरी टेलिंग गाना है ये। सो आप लोग 12 मई को सब थिएटर में जाके देखिए ये। अब हमें अभी तक तो हम OTT का डील साइन नहीं किया, तो बहुत देर होगा OTT में आने में, तो आप और ये किरण देवंस बड़ा फोटोग्राफर, इतना अच्छा सुंदर तस्वीर बनाए ये फिल्म का, आप थिएटर में ही इसको एंजॉय कर सकते हैं साउंड। और हमारा अभी आई विल इंट्रोड्यूस आवर एक्ट्रेस, सीनियर एक्ट्रेस सुहासिनी मुले, और ऐसे बड़े बड़े एक्टर हैं सुहासिनी सुहासिनी और ऐसा नोएल में कर लेंगे आपके साथ, ऐसे सीनियर एक्टर्स बहुत हैं, बेंजामिन गिलानी है, प्रकाश राज है, और विनय वर्मा है, मोना अम्बियोकर है, ऐसे बहुत लोग हैं इसमें, लेकिन इसके साथ इतने बच्चे भी है, और बच्चे को ऐसा सुना है कि फिल्म में इनके बीच में और बच्चों के बीच में ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ये लोग भी उनको अच्छा आदरण दिया है, और हम भी इसको अच्छा देखभाल किया है, तो आपको कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि ये बड़ा बड़ा एक्टर है और ये बच्चे बच्चे हैं, तो इट इज़ वेरी वेल मेड। हम लोग तो बोलेंगे आप जाके देखिए, 12 तारीख को आप जाके देखिए, और ये कैसा है, और थिएटर में देखने का फिल्म है, और मैं हमारा सीनियर एक्टर सुहासिनी मुले जी को कुछ ये फिल्म के बारे में बताने के लिए। ओके, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी मैं फिल्म के बारे में बात करूंगी। एक्चुअली हुआ ये कि बाबा राव साहब ने कभी फिल्म नहीं बनाई थी, तो जब फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आता है कोई स्क्रिप्ट लेके, तो लोग थोड़ा सोच के काम करते हैं, पर उसका सब्जेक्ट इतना तेज़ है, क्योंकि रोज़ हम देखते हैं पढ़ते हैं कि बच्चों को किस तरह से घोट घोट के कहा जाता है पढ़ो, एंड चिल्ड्रन आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस, एंड दिस फिल्म एक्चुअली बाबा राव टोल्ड मी दैट ही रेड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल अबाउट अ चाइल्ड कमिटिंग सुसाइड बिकॉज दे जस्ट could not put up with the pressure of giving exams, but more than giving exams, the other pressure is of the parents. Every child can't stand first, every child can't get 99.9 or 100%, it's not possible, but every parent wants their child to get 99.9, every parent wants their child to go abroad. So this film has done an excellent job in capturing that. Yes. I am very excited. Actually, मेरे कई दोस्त हैं जो कॉमन है। Hello, Mamika. So हम दोनों ही म्यूजिकल स्कूल इसलिए अटेंड कर रहे हैं। We were invited because Manoj is our common friend and he's a very crucial part of the movie. Shriya ma'am के लिए हम आए हैं। And the movie looks very refreshing and very different. बहुत कम आजकल children movies या musical movies बनी है, so I'm just more than excited to be a part of this. Honestly, I've seen the trailer and I have seen music. Musical इससे inspired हुए movies in Hollywood obviously, but I have not seen such films here in Bollywood.
So it's quite refreshing that we are going to watch such a film, and I'm super excited to watch this film and very excited to watch Shreya ma'am on screen, and she looks beautiful and the trailer looks really good. I just want to say she is super talented and I've always like looked up to her. Like, she's a fabulous dancer. The way she expresses, the kind of versatile role she's done, like South, North, everything. And once again, a movie like Sound of Music here. Yeah. So excited.